बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग होराइजन लाइन। कहानी की शुरुआत में हमें सारा को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के साथ एक आइलैंड के बार में बैठी हुई होती है। सारा को अब जाना है, पर जैक्सन कहता है कि जाने से पहले क्यों ना एक एक बियर और हो जाए। वो बियर काउंटर पर जाता है और दो बियर का ऑर्डर देता है। इसके बाद वो कुछ काम से बाहर चला जाता है। सारा को गुड बाय कहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन की एब्सेंस में वो वहाँ से चली जाती है। और जब जैक्सन वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पर सारा नहीं है। अब एक साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर सारा कैब लेकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है। इस वक्त वो लंदन में है और पिछले एक साल से जैक्सन से उसकी कोई बात नहीं हुई। इन दोनों का अब ब्रेकअप हो चुका है। जल्दी सारा मॉरिशस पहुंच जाती है जहां पर उसकी दोस्त की शादी है। उसी शादी को अटेंड करने के लिए वो यहां पर आई है और आखिरी बार जैक्सन से वो यहीं पर मिली थी। सारा जब अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है तभी वो कुछ दूरी पर जैक्सन को देखती है जो बोट में कुछ लोगों के साथ होता है। वो अपनी दोस्त से पूछती है कि जैक्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। उसकी दोस्त बताती है कि उसका यहाँ पर डाइविंग स्कूल है, रात को वो भी पार्टी में आने वाला है। और अब रात को जब बीच साइड पर पार्टी होती है तो सारा देखती है कि जैक्सन भी वहां पर है। जैक्सन के पास जाती है और उससे बहुत अच्छे से बातें करती है। जैक्सन भी उससे कुछ बातें करता है और इसके बाद कहता है कि मुझे जाना है। और जब जैक्सन वहां से जाने लगता है तो सारा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे कॉटेज तक छोड़ आती हूँ। हालांकि वो मना करता है लेकिन सारा उसकी बात नहीं मानती। तभी उसकी दोस्त पीछे से कहती है कि सुबह 7:30 बजे तक आ जाना, नहीं तो हम सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे। दरअसल शादी की डेस्टिनेशन कहीं और है। और अब सारा जैक्सन के साथ उसके कॉटेज में जाती है जहाँ पर ये शराब पीते हैं और शराब के नशे में ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो 8 बज चुके होते हैं, यानी कि आखिरी बोट भी जा चुकी है। और सारा को किसी भी कीमत पर अपनी दोस्त की वेडिंग में पहुंचना है, इसीलिए वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है जिसका एक प्राइवेट प्लेन है। वो टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। सारा उसके पास जाती और कहती है कि मुझे किसी भी कीमत पर वेडिंग की डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर उस जगह पहुंचा दूंगा। जल्दी यहाँ पर जैक्सन भी आ जाता है क्योंकि जैक्सन को भी वहीं पर जाना है क्योंकि वो भी लेट हो चुका है और उसे भी शादी अटेंड करनी है क्योंकि जो सारा की दोस्त है वो उसकी भी दोस्त है। अभी दोनों के दोनों पायलट के साथ उसके प्राइवेट प्लेन में बैठकर यहाँ से फ्लाई कर जाते हैं। रास्ते में पायलट सारा को बोलता है क्या तुम प्लेन को फ्लाई करना चाहोगी। सारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जिसके बाद वो उसे को पायलट की सीट पर बुला लेता है और बताता है कि प्लेन को किस तरह से फ्लाई किया जा सकता है। पर अब उसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, उसे हार्ट अटैक हो जाता है जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सारा उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जैक्सन से कहती है कि देखो पायलट को क्या हो गया। और अब जैक्सन भी उसे देखना शुरू कर देता है, इस वजह से प्लेन पूरी रफ्तार से नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और तभी पीछे का जो सामान होता है वो आगे की तरफ गिरने लगता है और एक सिलेंडर कंपास से टकराता है जिससे कंपास टूट जाता है। इसके बाद सारा प्लेन को संभालती है और बहुत मुश्किल से स्टेबल करती है क्योंकि उसे उसके दोस्त ने प्लेन उड़ाने के बारे में बहुत सारी बातें बता दी थी, इसीलिए वो प्लेन उड़ा पा रही होती है। प्लेन में रेडियो भी होता है जिससे वो कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट करती है और अपनी पूरी सिचुएशन बताती है। कंट्रोल रूम से उसे एक लोकेशन के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि तुम जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचो। प्लेन का जो कंपास होता है वो टूट चुका है, इसीलिए इन्हें खुद अपनी लोकेशन के बारे में नहीं पता होता और ना ही ये उस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं जहां पर ये लैंड कर सकते हैं। ये लगातार उसी तरह से हवा में अपने प्लेन को उड़ाने लगते हैं। अभी ये देखते हैं कि इनके सामने काले बादल हैं, यानी कि अब सामने तूफान है और इस तूफान से इन्हें होकर गुजरना होगा। जैक्सन को एक आइडिया आता है, वो कंपास के मैग्नेट को निकालकर एक ग्लास में शराब डालता है और उसमें मैग्नेट को डालता है जिससे इन्हें सही लोकेशन के बारे में यानी कि दिशा के बारे में पता चल जाता है और ये उसी दिशा की तरफ बढ़ चलते हैं। और तूफान की वजह से इनका कंपास जो इन्होंने बनाया होता है एक बार फिर से खराब हो जाता है। बिजली इनके प्लेन के ऊपर भी गिरती है जिससे इनका प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है, पर किसी तरह से ये उस तूफान से बाहर निकल जाते हैं। और तभी इनके प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है जो कि फ्यूल लीक होने का अलार्म होता है। दरअसल अब इनके प्लेन से फ्यूल भी लगातार लीक हो रहा है और जल्दी अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, फ्यूल की लीकेज को बंद नहीं किया, तो इनका प्लेन फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश हो जाएगा। जैक्सन तय करता है कि वो बाहर जाएगा और टेप लगाकर उस होल को बंद कर देगा जहां से फ्यूल लीक हो रहा है। दरअसल जब इनके प्लेन के
पर बिजली गिरी थी तभी ये होल हो गया था। हालांकि सारा उसे जाने से मना करती है लेकिन जैक्सन कहता है कि अगर हम बाहर नहीं गए तो हम वैसे भी मारे जाएंगे। जिसके बाद वो अपनी कमर पर एक रस्सी बांधता है और रस्सी के दूसरे हिस्से को प्लेन से बांध देता है। अब वो धीरे धीरे बाहर जाता है और उस जगह पर टेप लगाने की कोशिश करता है जहां से फ्यूल लीक हो रहा है। बहुत संघर्ष करने के बाद वो उस जगह टेप लगा देता है जिससे फ्यूल लीक होना बंद हो जाता है। और जब जैक्सन वापस आ रहा होता है तभी उसका हाथ स्लिप हो जाता है जिससे वो प्लेन से लटक जाता है। तारा ये देखकर डर जाती है और प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगाकर पीछे जाती है और किसी तरह से जैक्सन को ऊपर खींच लेती है। पर जब जैक्सन का हाथ स्लिप हुआ था तो उसका हाथ जख्मी हो गया था जिस वजह से जैक्सन को बहुत दर्द हो रहा होता है। लेकिन फाइनली उसने उस जगह को बंद कर दिया जहां से फ्यूल लीक हो रहा था। पर जब ये फ्यूल टैंक देखते हैं तो उसमें फ्यूल बहुत कम है। इसका मतलब जल्दी प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है और अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो फ्यूल खत्म होने की वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाएगा। तारा तय करती है कि प्लेन में जितना भी सामान है ये उस सामान को फेंक देंगे ताकि प्लेन का लोड कम हो जाए। ये सारे सामान को फेंक देते हैं। साथ ही सारा को अपने दोस्त की डेड बॉडी को भी फेंकना पड़ता है क्योंकि किसी भी कीमत पर उसे प्लेन को हल्का करना है ताकि फ्यूल कम से कम कंज्यूम हो। लेकिन ये सब करने के बाद भी इनके फ्यूल टैंक में फ्यूल अब भी बहुत कम होता है और जल्दी फ्यूल खत्म होने से पहले अगर इन्हें लैंडिंग स्पेस नहीं मिला तो इनका प्लेन क्रैश हो जाएगा जिसमें इन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। जैक्सन सारा से कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, हमारे पास जो अल्कोहल है हम उसे फ्यूल टैंक में डालकर फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। सारा को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है लेकिन अल्कोहल को फ्यूल टैंक में डालने के लिए इन्हें एक बार फिर से बाहर जाना होगा। जैक्सन कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा पर सारा उसे मना कर देती है। कहती है कि तुम्हारा हाथ जख्मी है, तुम चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते, ये काम मुझे ही करना होगा। हालांकि जैक्सन उसे मना करता है लेकिन अब इनके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए सारा अपनी जान को जोखिम में डालकर प्लेन के ऊपरी हिस्से में जाती है जहां से अल्कोहल को फ्यूल टैंक में डाला जा सकता है। किसी तरह से वो अल्कोहल को फ्यूल टैंक में डालने में कामयाब हो जाती है पर बाहर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसका हाथ भी स्लिप हो जाता है पर किसी तरह से वो मैनेज करके प्लेन के अंदर आ जाती है। ये देखकर जैक्सन बहुत खुश होता है कि उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। इनके फ्यूल टैंक में अब फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ चुकी है इसीलिए दोनों खुश होते हैं। पर लगातार प्लेन चलने की वजह से फ्यूल लगातार खत्म हो रहा होता है और जल्दी अगर इन्हें लैंडिंग की जगह नहीं मिली तो ये इसी समंदर में क्रैश कर जाएंगे। तभी जैक्सन देखता है कि उनके सामने एक आइलैंड है जो देखकर उसे बहुत खुशी होती है और प्लेन को वो उसी आइलैंड की तरफ ले जाता है। पर जब वो उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर कोई भी आइलैंड नहीं है, ये सिर्फ पानी का एक रिफ्लेक्शन था जो उसे ऊपर से एक आइलैंड की तरह दिख रहा था। ये दोनों के दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि अब इनका प्लेन क्रैश हो जाएगा। पर तभी एक बार फिर से इन दोनों को नीचे एक आइलैंड दिखता है और इस बार ये रोशनी का यानी कि पानी का रिफ्लेक्शन नहीं था बल्कि सच में एक आइलैंड था। हालांकि ऊपर से बहुत पास दिख रहा होता है पर अब भी ये इनसे बहुत दूर है। ये अपने प्लेन को उसी आइलैंड की तरफ ले चलते हैं पर इससे पहले कि ये आइलैंड तक पहुंचते इनके प्लेन का सारा फ्यूल खत्म हो जाता है जिससे इनका प्लेन पानी में क्रैश हो जाता है। ये दोनों के दोनों प्लेन के अंदर फंस जाते हैं और अब प्लेन धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। जैक्सन बेहोश हो गया होता है, सारा उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो होश में नहीं आता। सारा समझ जाती है कि किसी भी तरह से उसे यहाँ से निकलना होगा इसीलिए वो प्लेन के डोर को खोलने की कोशिश करती है पर पानी के प्रेशर की वजह से वो डोर को खोल नहीं पा रही होती। वो किसी तरह से पूरी जान लगाकर डोर को खोल देती है जिसके बाद वो जैक्सन को बाहर निकालती है। उसे लाइफ जैकेट पहनाकर खुद वो ऊपर सतह पर आ जाती है पर ऊपर आने के बाद वो देखती है कि जैक्सन अब भी नीचे ही है। दरअसल लाइफ जैकेट पहनाने के बाद भी वो प्लेन में फंस गया था। सारा एक बार फिर से नीचे जाती है और जैक्सन को छुड़ाकर ऊपर ले आती है। ये दोनों के दोनों किसी तरह से उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। अब जैक्सन भी होश में आ चुका है और जल्दी ने एहसास हो जाता है कि अब भी ये पूरी तरह से असुरक्षित है क्योंकि ये कोई आइलैंड नहीं है, ये रेत का एक टीला है जो लो टाइड होने पर पानी के पीछे जाने की वजह से समंदर की सतह के ऊपर आ जाता है। पर जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा यानी कि हाई टाइड होगा ये पूरी तरह से समंदर में समा जाएगा। ये दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब इन दोनों की मौत निश्चित है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगता है
और वो रेत का टीला पूरी तरह से पानी में समा जाता है। दोनों के दोनों अब पानी के बीचों बीच हैं, जहां इन्हें कभी कोई नहीं देख सकता। इनके पास एक ही लाइफ जैकेट होती है जो कि जैक्सन ने पहनी होती है। जैक्सन अपनी मौत एक्सेप्ट कर लेता है। वो सारा से कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट ले लो, लेकिन सारा ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि हम दोनों एक टीम हैं, हम जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। साथ ही वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि वो जैक्सन से आज भी बहुत प्यार करती है। जैक्सन को भी एहसास हो जाता है कि वो सारा से बहुत प्यार करता है। और जिंदगी के आखिरी पलों में दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। इन दोनों को एहसास हो चुका है कि ये दोनों एक दूसरे का सच्चा प्यार है। तभी ये देखते हैं कि इनके पास एक बोट आ रही है जो कि फिशरमैन की बोट है। दरअसल सारा ने जब कंट्रोल रूम को मैसेज भेजा था तो वो रेडियो मैसेज इन लोगों ने भी सुन लिया था, इसीलिए ये इन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए होते हैं और इस तरह से सारा और जैक्सन को बचा लेते हैं। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।